असाम के जोरहाट जिले की अंतिम संस्कार करने वाली थां सद्भावना की एक मिसाल कायम करती है। इस थां की विलक्षण गल यह है कि इस अंदर हिंदू मुसलमान अते ईसाइयों के अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हिंदू मृतक देहां का संस्कार किया जाता है अते मुसलमान ते ईसाइयों की मृतक देह इको ही कब्रस्तान विच दफनाई जाती है। यह सिलसिला पिछले कई दहाकों तो जारी है। यह साडा शमशान घाट है। इत्थे हिंदू मुस्लिम अते ईसाई भाईचारे दे सारे धर्मां दे लोकां दा अंतम संस्कार किया जाता है। इत्थे शमशान घाट नूं वंडण लई कोई एक छोटा जिहा ड्रेन है, कोई रुकावट नहीं है, पर सिर्फ एक छोटी जिही नाली जो तीन धर्मां लई अंतम आराम स्थान नूं दर्शाउंदा है। तीनों धर्मां नाल जुड़े लोग अपनियां सारियां धार्मिक रस्मां नूं पूरा करदे होए इत्थे अपने मृतक रिश्तेदारां दा अंतम संस्कार करदे ने। सारे धर्मां दे लोग इन्हां तिन्नां धर्मां नाल संबंधित लोकां दी अंतम रस्मां विच हिस्सा लैंदे ने। आमी यात हिंदू मुसलमान जिए न होकुलो एकेलोगे चाहे किसी भी धर्म दा व्यक्ति होवे, असी सारे उस दे अंतम संस्कार विच शामिल होण लई आउंदे हां। असी शमशान घाट विच हिंदुआं दे संस्कार विच हिस्सा लैंदे हां अते ओह साडे जनाजे विच शामिल होंदे ने। जदों एक ईसाई नूं इत्थे दफनाया जांदा है तां असी उस रस्म विच वी हिस्सा लैंदे हां। इह इक अनोखा अते दुर्लभ आराम स्थान है। असी सारे इत्थे इको किश्ती विच सवार हां। सब दा इक ही जगह उत्ते जाना किस्मत विच लिखिया होया है अते ओह है जमीन दे हेठां, अते मैनूं लगदा है कि इस विलक्षण प्रणाली दा हर थां पालन कीता जाना चाहीदा है। आम तौर ते हर जगह सारे धर्मां दे अंतम संस्कार करन लई वख-वख थावां बणियां हुंदियां ने। हालांकि गोरजान दे इह अंतम संस्कार दा स्थान दूजियां थावां नालों वखरा है। धार्मिक वंड अजे तक गोरजान दे इस स्थान नूं नकारात्मक तौर ते प्रभाव नहीं कर सकी है। मैं हिंदू भाईचारे तो हाँ। असी इत्थे हिंदू ईसाई अते मुसलमान तिन्ना धर्मां दे लोकां दा संस्कार करदे हाँ। इत्थे भाईचारियां विच कोई धार्मिक वंड नहीं है। तिन्नों धर्मां दे लोक इस शमशान घाट विच अपने अंतम संस्कार कर सकदे ने। हजे तक कोई धार्मिक टकराव जां नफरत वाली कोई घटना भी इस थां ते नहीं वापरी है। गोरजान दे लोक मृतका दा संस्कार करन लई बनाए इस संजोग ढंग विच सफल होए ने, जो के 1933 विच उना दे पुरख्या वल्लों शुरू कीती गई सी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। टू वॉच 24/7 न्यूज़ लाइव, डाउनलोड ईटीवी भारत ऐप।